इजराइल की यात्रा पर जाने वाले नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। मोदी ने हाल ही में कहा था कि भारत और यहूदी देश इजराइल के बीच सदियों पुराना संबंध है। उम्मीद की जा रही कि मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य और साइबर सुरक्षा पर समझौते हो सकते हैं। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि मोदी रामल्ला नहीं जाएंगे, मतलब फिलिस्तीनी नेताओं से मुलाकात नहीं करेंगे। अब तक ऐसा होता रहा है कि लोग इजराइल के बाद फिलिस्तीन नेताओं से भी मुलाकात करते हैं। मोदी की इस यात्रा को एक अहम कदम माना जा रहा है। भारत और इजराइल के बीच 25 सालों से राजनयिक संबंध है, लेकिन भारत में एक बड़ी मुस्लिम आबादी होने के कारण दोनों देशों के बीच संतुलित गतिविधि ही देखने को मिलती थी और दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, सुरक्षा, कृषि, पानी और ऊर्जा सेक्टर में साथ मिलकर वर्षों से काम कर रहे हैं। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने मोदी की इस यात्रा को काफी अहम बताया है। नेतन्याहू के मुताबिक दोनों देशों के बीच संबंधों में लगातार सरगर्मी आ रही है। अपने दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोसी नाम के उस इजरायली लड़के से भी मुलाकात करेंगे जिसके माता पिता 2008 में मुंबई के यहूदी सेंटर पर हुए आतंकी हमले में मारे गए थे।